हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में होने वाले सुपर फोर के चौथे मैच का। तो अगर हम चौथे मैच की बात करते हैं तो आप देखोगे दोनों टीम की जो हालत है अभी उसमें सब देखोगे तो अफगानिस्तान का जो है वो थोड़ा सा प्रेशर जरूर फील करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो है एक मैच से हार के आ रहे हैं और उनके पास दो मैचेज है जिनमें से जो है एक इंडिया से खेलना है और एक पाकिस्तान से खेलना है। तो दोनों जो है वो टीमें स्ट्रांग हैं और दोनों टीमों के साथ जब मैच खेलना है तो थोड़ी सी दबाव जो है वो अफगानिस्तान पर जरूर रहेगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान जो है वो बहुत ही बेहतरीन मैच जो है ये इंडिया से जीत के आ रहे हैं। हालांकि इंडिया ने उस मैच में बहुत ज़्यादा जो है वो गलती किया था, लेकिन फिर भी जो है मैच जीत के आ रहे हैं और इससे जो है बहुत ज़्यादा मोटिवेशन जो है वो ज़रूर मिला होगा, क्योंकि अगर इंडिया से मैच जीते हैं तो मोटिवेशन जो है वो आपको एक अच्छा खासा जो है वो मिलेगा ही। तो अब देखते हैं यहाँ पे कि किस तरह का जो है सिनेरियो आपको आगे देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि अगर मैं इन दोनों टीमों की बात करता हूँ तो इन दोनों टीमों में अगर पाकिस्तान जो है वो ये मैच जीत जाता है, पाकिस्तान के लिए बहुत ही क्रुशियल है, तो पाकिस्तान जो है वो फाइनल में चला जाएगा। और अगर अफगानिस्तान जीत जाता है तो भी जो पाकिस्तान के पास एक मैच जो है वो रहेगा, यानी कि पाकिस्तान के पास डरने की ज़रूरत नहीं है, उसे श्रीलंका से या अफगानिस्तान से सिर्फ एक मैच जो है वो जीतना है और वो जो है फाइनल में चले जाएंगे। प्रेशर जो है वो बाकी जो तीन टीमें हैं उन पे है, जैसे श्रीलंका हो गया, श्रीलंका पर भी ज़्यादा प्रेशर नहीं है कि श्रीलंका भी एक मैच जीत चुका है और अगर वो जीतते हैं तो कहाँ जाएंगे, सीधे फाइनल में, और अगर हार जाते हैं तो भी जो है एक मैच पाकिस्तान से रहेगा। तो अब दोनों जो टीमें हैं, जो श्रीलंका और पाकिस्तान है, ये जो है इनके पास एक प्लस पॉइंट है। तो अब बात करते हैं हम आगे वीडियो में, लेकिन उससे पहले अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें सब्सक्राइब कर लेना, और अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े होते जो व्हाट्सअप का नंबर है आप यहाँ पर मुझसे जुड़ सकते हो, साथ में आप कॉल इंडिया सर्च करके टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो। यहाँ पर जो आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलते रहते हैं, जो कि आप एक बढ़िया तरीके से जो प्रॉफिट बनाने की जो जर्नी है वो स्टार्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो ये जो होगा चौथा मैच होगा ये होगा वेडनेसडे को 7 सितंबर को, टाइमिंग जो होगा होगा 7:30 इंडियन नेशनल टाइम के हिसाब से। इसके अलावा बात करते हैं तो दुबई में जो है ये मैचेस खेला जाएगा और दुबई के पिच के बारे में इतना सारा जो है आपको बता रखा है, इतना सारा जो है अपने मैचेस देख रखा है, तो आपको ये आइडिया लग गया होगा कि ये पिच जो है बैटिंग पिच है, बिल्कुल बैटिंग पिच की तरह जो है बिहेव कर रहा है और एक अच्छा खासा रन लग रहा है, 190-180 भी लगेगा, तो ज़्यादातर चांसेस है कि इस ग्राउंड पर जो है चेसेबल टारगेट बन रहा है, इस तरह का सीनरियो अभी चल रहा है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं, टोटल यहाँ पे 81 मैचेज हो रखे हैं जिनमें से 37 फर्स्ट पर जीता है और 43 जो सेकंड पर जीता है, और लास्ट के जो मैचेज यहाँ पे हो रहे हैं उनमें 180 के आसपास जो है वो रनिंग बन रही है। तो मैच में कोई भी जीते कोई भी हारे मैच आप इंजॉय करो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, मैच में जो है जितना भी मज़ा ले सकते हो ले लो, क्योंकि फिर एशिया कप जो है वो फिर आप देखो कितने साल बाद होगा, लास्ट 2018 में हुआ था, कब होगा कोई किसी को नहीं पता, तो जितना इंजॉय कर सकते हो कर सो। अब बात करते हैं वेदर फोरकास्ट का, तो टेम्परेचर आपको पता है कि जैसा जो है गर्मी वैसा ही रहने वाला है, गर्मी जो है वहाँ कम नहीं हो रहा, साथ में ड्यू जो है वो आने लगा है थोड़ा सा, तो सेकेंड बैट में जो है थोड़ा सा फेवर जरूर करेगा, लेकिन ड्यू जो है थोड़ा सा लेट आ रहा है, तो लेट जब आ रहा है तो थोड़ा सा दिक्कत जो है वो आपको किसको देखने को मिलेगा जो फर्स्ट बैट कर रहे हैं उनको। टॉस की बात करते हैं, यहाँ पर अफगानिस्तान के ज़्यादा चांसेस है कि टॉस जीतकर जो है पहले बॉलिंग करना पसंद करेगा, और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं दोनों टीमों की टीम न्यूज़, पाकिस्तान की तरफ से जो है कोई खास अच्छा खासा जो है कोई न्यूज़ नहीं है, क्योंकि बाबर आजम जो है लीड करेंगे और कोई जो है वो इंजरी नहीं है, जो भी जो खेल रहे थे वो सब जो है आपको दिखाई देंगे। अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान में आप देखो तो मोहम्मद नबी जो है लीड करेंगे और लास्ट जो है ये मैचेज हार के आ रहे श्रीलंका से, उसके पहले दो मैचेज बहुत ही बेहतरीन तरीके से जीते थे, तो उस हिसाब से देखो तो एक बहुत ही बेहतरीन सा जो है वो ऑप्शन आ रहा है श्रीलंका के पास, कि एक अच्छा सा जो है यहाँ पे जो है वो आपको रिक्वायरमेंट जो है वो दे और एक अच्छा सा जो है वो आपको ये जो मैसेज है सुपर फोर का उसमें से एक जीते और अपनी दावेदारी जो है वो पेश करे। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं प्लेइंग इलेवन को, तो अगर हम की प्लेयर की बात करते हैं तो रिजवान का फॉर्म काफ़ी अच्छा है पाकिस्तान की तरफ से। इसके अलावा देखोगे तो आपको जो है खुशदिल का फॉर्म काफ़ी अच्छा चल रहा है, शादाब का चल रहा है, नवाज़ का फॉर्म बहुत ही अच्छा चल रहा है, और लास्ट मैच में हमने देखा जो कि यहाँ पर जो है आपको आसिफ अली का जो है परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ा बहुत देखने को मिला था, तो आप उस हिसाब से जो है यहाँ पे लेके चल सकते हो। तो ये जो है यहाँ का सीनरियो है अभी तक का। बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में जो है वो नवाज़ का ही जो फॉर्म अच्छा चल रहा है, लास्ट मैच में शादाब खान को जो है काफ़ी अच्छा विकेट मिला था, तो आप यहाँ से जो है लेके चल सकते हो। अब हम बात करते हैं अफगानिस्तान की तरफ से, तो अफगानिस्तान की तरफ से आप देखोगे तो रमनुल्लाह गुरबाज़ का फॉर्म काफ़ी अच्छा है, नवाज़ जर्डन का फॉर्म जो है काफ़ी अच्छा है बैटिंग में। इसके अलावा बात करते हैं नाबी जो है और राशिद खान काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं बॉलिंग में भी, और इसके अलावा बात करते हैं तो अगर बॉलिंग की बात करते हैं मुजीब का फॉर्म जो है काफ़ी अच्छा चल रहा है, और इसके अलावा जो है आप देखोगे फारूकी का फॉर्म जो है शुरुआत में थोड़ा सा अच्छा चला था, लेकिन अभी जो है एक दो मैचों में उतना अच्छा चला नहीं है, तो ये जो है अभी के लिए काफ़ी अच्छा जो है इनका परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बात करते हैं तो अगर रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो आप देखोगे यहाँ पे तो रिसेंट परफॉर्मेंस है पाकिस्तान जो है रिसेंट 5 मैचों में से 3 जीता है 2 हारा है, और अफगानिस्तान जो है रिसेंट 5 मैचों में से ये जो है 3 जीता है और 2 जो है ये हारा है,
और इसके अलावा हम बात करते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड के साथ, देखोगे दोनों टीमें जो है वो दो मैचेस खेली है जिनमें से दो के दो जो है पाकिस्तान जीता है और अभी तक जो है अफगानिस्तान जीता नहीं है T20 में। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग यहाँ पे अभी तक जो है वो आप ड्रीम इलेवन जो है हम लोग देखेंगे उसके बाद वीडियो खत्म हो, लेकिन अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो तो ये जो व्हाट्सअप का नंबर है आप यहाँ पर मुझसे जुड़ सकते हो, साथ में आप कॉल फ्री सर्च करके टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, इससे रिलेटेड जो है आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएगा तो आप वहाँ से जुड़ सकते हो, एक अच्छे से प्रॉफिट बनाने की जो जर्नी है वो वहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो। तो चलो एक बार देख लेते हैं ड्रीम इलेवन टीम और फिर करते हैं वीडियो को एंड। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर ड्रीम इलेवन टीम का, सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं हम तो विकेट कीपर में तो देखोगे रिजवान का फॉर्म जो है वो काफ़ी अच्छा है सब में, और इस अलावा जो है गुरबाज़ का फॉर्म जो है काफ़ी अच्छा था, जिनका फॉर्म अच्छा है आप नो डाउट पिक करके चलो। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं यहाँ पर बैटिंग में, तो बैटिंग में आप देखोगे तो नबूला जॉर्डन का फॉर्म काफ़ी अच्छा चल रहा है, इसके अलावा बात करते तो खुशदिल शाह का फॉर्म अच्छा काफ़ी अच्छा है और इब्राहिम जॉर्डन जो है ये भी काफ़ी अच्छे फॉर्म में, तो हम देखते हैं फसल। लेकिन उससे पहले जो है आप यहाँ पर शादाब को पिक कर सकते हो, उसके अलावा नवाज़ को पिक कर सकते हो और उसके अलावा बात करते हो तो नाबी को जो है पिक करके चल सकते हो। बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में जो है राशिद फॉर्म अच्छा है, मुजीब का फॉर्म अच्छा है, इसके अलावा नसीम शाह का फॉर्म जो है वो पहले मैच में तो काफ़ी अच्छा था, दूसरे में भी अच्छा था, लेकिन लास्ट मैच में जो है उनको एक ही विकेट मिला था, लेकिन हम लोग पिक कर लेते हैं। और इसके अलावा हम बैटिंग की बात कर लेते हैं, एक जो हमने यहाँ पे इब्राहिम जॉर्डन को जो है पिक कर लिया है। अब कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करते हैं, जिसका फॉर्म नवाज़ को चल रहा है अब बिल्कुल बना के चलो, इसके अलावा जो है शादाब का या फिर जो है आप यहाँ पर मुजीब को जो है कैप्टन वाइस कैप्टन के तौर पर बुला के चल सकते हो, क्योंकि इनका भी फॉर्म जो है काफ़ी अच्छा चल रहा है, यहाँ से जो है आप देख सकते हो टीम पे भी, और इसी के साथ जो है आप 27 मेंबर आप खेल सकते हो, कोई भी टीम जो है खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसके अलावा और भी टीम चाहिए तो आप व्हाट्सएप से जुड़ सकते हो, व्हाट्सएप का जो नंबर है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से जो आप जुड़ सकते हो और सारी टीमें जो है आपको वहाँ पर मिल जाती है। मिलते हैं आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।